अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है आप खैर खैरे से होंगे। तो ये है कि हम अपने मकाम क्या कहेंगे इसे, वीडियो या मकाम डिस्कशन वीडियो बनाने वाले मकाम यानी कि कैम्ब्रिज के चर्चिल पार्क पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे जो है वो हमारा जो है वो क्या कहते हैं यूट्यूब की वीडियो बनाने का आगाज़ हुआ था। तो यहीं पर हम लोग गैदर होते हैं, फिर टॉपिक सोचते हैं कि भाई किस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो जब भी हम यहाँ आते हैं तो ये जो पीछे आपको पानी में बतखें नज़र आ रही हैं, ये हमें सलामियाँ ठोक रही होती हैं। और ये बतखें बड़ी ख़तरनाक हैं, ये जो है वो आपके पीछे लग जाती हैं और फिर जो है वो आपको एहसास होता है कि आप गलत जगह पे आ गए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वी आर बैक वंस अगेन। वी होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। हम अपने और आपने हनी सिंह वाला चश्मा कहाँ से लिया? नहीं यार, धूप बहुत तेज़ है इस टाइम और हम जो है वो गारों में रहने वाले लोग हैं तो हमारी जो है वो आंखें जो चला जाती है। अच्छा, हमने पिछली वीडियो भी इसी जगह पे बनाई थी और वो आपको पीछे बैकग्राउंड में क्रिच 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 का म्यूजिक आ रहा होगा, वो जो है वो मैं घास तोड़ने में लगा हुआ था। ये बैकग्राउंड तो म्यूजिक दे रहे हैं। अहमद ने मुझे सख्ती से तंबीह की है कि भाई दोबारा अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें बकरों के साथ बाहर। तो जी ऐसे है कि इस दफ़ा हमने एक और भी एडवांसमेंट किया। पिछली दफ़ा हमारा फेस उस तरफ था, इस हमारा फेस इस तरफ है, तो बस ये डिफरेंस आ गया। भाई सूरज का फर्क है ना, हम वैसे ही इतने खूबसूरत लोग हैं, अगर धूप नहीं पड़ती तो फिर हमारी शक्लें नजर नहीं आती है। अच्छा जी, तो ये है कि आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो मुझे हाथ ऊपर रखने पड़ेंगे। वो बेसिकली उसी चीज़ों की, उन्हीं बातों की कॉन्टिन्यूएशन है। बस हम जो पहले ब्रॉड एस्पेक्ट में बात करते हैं, हम थोड़ा सा उनमें नीच एरियाज़ में चले जाते हैं कि अच्छा यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं, इन चीज़ पर डिस्कशन करते हैं। तो आज का जो है वो डिस्कशन, क्योंकि मैं भी पीआर पे आया था और हसान भी पीआर पे आया था। पीआर पे आना इज़ स्लाइटली डिफरेंट देन कमिंग हियर ऑन अ जॉब, जो कि ऑल्दो थोड़ा रेयर होता है बट एनीवे होता है, और या एज अ स्टूडेंट, बिकॉज उसमें ये होता है कि आपको इमीडिएटली पता होता है कि आपने कहाँ जाना है, किस इंस्टीट्यूशन जाना है, किन लोगों से मिलना है और आपका प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा, दैट्स इट। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो जाता है। मैं ये उसको अंडरमाइन हरगिज़ नहीं कर रहा, वो भी बड़ा डॉन्टिंग टास्क है, बट ये कि आपको एटलीस्ट पता होता है। पीआर के बेनिफिट अपनी जगह, आपको आते ही बड़े सारे बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे डॉन्टिंग चीज़ होती है ना, और जो आई रिमेंबर टू कि मैंने फेस की थी, वो ये था कि आपकी एक्साइटमेंट सारा कुछ एक तरफ, बट जब आप जहाज़ के सामने बैठते हैं और देखते हैं अच्छा अब मैं कुछ देर बाद जो है वो टेक ऑफ करने वाला हूँ, तो दैट्स द फर्स्ट टाइम इट हिट्स यू कि मैं वहाँ जाके करूँगा क्या। जहाज़ बजता है, जहाज़ के सामने क्यों बैठते हैं? तो ये है कि तो उसमें हर बंदे का अपना जर्नी होता है। कुछ लोगों का बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है, मैं बातें सुन रखी हैं, कुछ का बहुत इजी होता है, वो आते ही और कुछ ना कुछ उनका स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे डाइवर्सिटी ये है कि मैं और हसान पढ़ी बहुत डिफरेंट फील्ड्स हैं, दोनों इंजीनियर्स हैं बट बहुत डिफरेंट फील्ड्स हैं। हसान जहाँ पे आया उसने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी, ठीक है। मैं यहाँ पे आया तो मैं पीएचडी छोड़ के आया था, मुझे शौक था, मैंने अपनी पीएचडी स्टार्ट कर ली। तो ये कि हमें काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम इसमें कवर कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल हसान को कहता हूँ कि उसका जर्नी थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वो पहले शेयर करे, उसके बाद जो है वो मैं फिर यहाँ पे माइक संभालूंगा। भैया शुरू कीजिए। हाँ जी, तो अपनी पिछली वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि जब यहाँ पे आया तो बेसिकली क्या स्ट्रगल थी और जॉब कैसे स्टार्ट की। काफ़ी सारे लोग ये होते हैं कि भाई पाकिस्तान से यहाँ आने से पहले या दूसरे मुल्क से अपने घर से यहाँ कनाडा में लैंड करने से पहले, काफ़ी लोग शायद आपको कैनेडियन बताते होंगे भाई यहाँ पे जितना आप सोच रहे हैं इतना इजी नहीं है जॉब मिलना, आपको थोड़ी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग सारे कहते हैं हाँ ठीक है भाई, बाहर के मुल्क जाएंगे, जब पड़ेगी तो देख लेंगे, लेकिन जब पड़ती है ना तो लग पता जाता है, ये मैं आपको बता दूँ। क्योंकि हम लोग सारे सोच के आते हैं हाँ जितनी मेहनत करनी पड़ी ना कर लूँगा। तो पाकिस्तान में मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि पाकिस्तान में जो है वो मैंने जब इंजीनियरिंग कंप्लीट की तो उसके बाद 11 महीने तकरीबन वेट करने के बाद मुझे अपनी पहली जॉब मिली, और वो जो है वो थोड़ी बहुत फील्ड से रिलेटेड थी। तो वहाँ पे तकरीबन मैंने 1 साल 11 महीने काम किया। प्रोडक्शन प्लानिंग इंजीनियर का मेरा रोल था, ऑफिस में जॉब थी, वाइट कॉलर जॉब थी, प्लानिंग करते थे, सेल्स के साथ मीटिंग्स करते थे, ऑर्डर की कंप्लीशन करवाते थे, प्रोडक्शन और सेल्स के साथ कोऑर्डिनेशन होती थी, प्रोक्योरमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन होती थी। बट अब पाकिस्तान के हिसाब से बड़े मज़े की जॉब थी और बड़ी लग्जरी जॉब थी आई वुड से। एनीवेज फिर मैं कनाडा आया, तो जब मैं कनाडा आया तो मुझे आइडिया तो था कि फ़ौरन अपनी जॉब नहीं मिलेगी। शुरू में अप्लाई किया, जब YMCA के थ्रू अपनी रेज्यूमे अपडेट की, अप्लाई किया, इंटरव्यूज़ दिए, जॉब नहीं मिली। तो जब जॉब नहीं मिली तो मैंने आपको बताया कि भाई मैं पाकिस्तान में जो है वो अपने 2 महीने की जो है वो ग्रेच्युटी या प्रोविडेंट फ़ंड छोड़ के आया था, वो तकरीबन
मेरी 2 महीने की सैलरी के कंपेरेबल थे कि भाई घर जो है वो उतने देर तक चल देगा जब तक मुझे जॉब नहीं मिलेगी। कनाडा में लैंड किया, अप्लाई किया, नहीं हुआ 2 महीने में। अगले दिन जो है मैं टेम्प एजेंसी के पास गया और टेम्प एजेंसी वालों ने मुझे कहा कि भाई ये हमारे कैम्ब्रिज में एक इंडस्ट्री है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, इधर जो है वो जॉब है, नाइट शिफ्ट की पोजीशन है, प्रोडक्शन ऑपरेटर की जॉब है, तो ये जो है वो आप क्या कहते हैं आप ले लें। तो मैंने बस वो उधर ही रिटन टेस्ट दिया, थोड़े बहुत वो क्वेश्चंस पूछते हैं जनरल क्वेश्चन के भाई सेफ्टी के बारे में आपका क्या थॉट प्रोसेस है, 5S के बारे में आपका क्या थॉट प्रोसेस है, जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन समझते हैं आप लेबर की या नहीं समझते हैं, तो वो मैंने किया, वो मैंने पास किया। अगले जो संडे आ रहा था उन्होंने कहा संडे नाइट शिफ्ट की जो है वो लेबर जॉब थी वो मैंने स्टार्ट कर दी। अब मैंने स्टार्ट कर दी और बैक एंड पे जो है वो मैं कोशिश कर रहा था कि वही मुझे जॉब मिल जाए जो मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस या मेरी फील्ड से ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि ये जॉब इतनी कंफर्टेबल नहीं थी। यहाँ पे जो है वो मैं 11 बजे मेरी शिफ्ट शुरू होती थी और सुबह 7 बजे जो वो ख़त्म होती थी, और जॉब मैं आपको बता दूँ इतनी मुश्किल थी कि बस मैं काम करने के साथ साथ घड़ी देख रहा होता था कि यार कब 7 बजेंगे और कब सुबह होगी और मैं कब घर पहुँचूँगा। तो ये था कि ये प्रोडक्शन लाइन थी जिसमें ना बम्पर की कोटिंग होती थी, गाड़ियों के बम्पर्स होते हैं उन पर स्प्रे पेंट होता था, ई कोट उसे कहते हैं, और वो जो है वो जब स्प्रे उस पर होता था उसके बाद वो एक बड़े से ओवन से जाते थे, कॉन्टीन्यूस कन्वेयर सिस्टम चल रहा था और वर्टिकली उस पर बम्पर हैंग होते थे और वो पूरा जो है वो उस पर कोट होके ड्राई होके बम्पर बाहर निकलते थे। तो हमारा काम ये होता था कि भारी बम्पर मतलब गाड़ियों के ट्रकों के, यहाँ पे GM जो है वो अमेरिका की बहुत बड़ी गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी है, उसके ट्रकों के बम्पर वो तकरीबन एनीवेयर फ्रॉम 30 to 50 pounds उनका वेट होता था, उसको जो है वो कॉन्टीन्यूस चलती हुई कन्वेयर पे आपको हैंग करना होता था, और जब वो ड्राई होके बाहर निकलते होते थे तो उसको फिर जो उतारना होता था, टेबल पर रखना होता था, उसकी रगड़ाई करनी होती थी, देखते थे कि भाई पेंट में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, और उसके बाद जो है उसको वापस बेंज में रखना होता था, उस पर क्वालिटी लेबल्स लगाने होते थे। बहरहाल बहुत ज़्यादा जॉब की उसमें डिटेल में ना जाते हुए जाके मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चला गया हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि काफ़ी मुश्किल जॉब थी और मुझे 11 महीने तक करना पड़ा। तो जब मुझे 7-8 महीने हो गए और मैं साथ साथ कोशिश भी कर रहा था कि यार वो जॉब मिल जाए जो मेरी फील्ड से रिलेटेड, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा था, मतलब रात की शिफ्ट होना सबसे ज़्यादा मेरे लिए मसला था, मुश्किल वेट उठाना और इंस्पेक्ट करना और ये सारी चीज़ें करना इतना बड़ा इशू नहीं था जितना रात की शिफ्ट, क्योंकि ज़ाहिर बात मेरी फैमिली भी थी यहाँ पे, मेरी बेटी थी छोटी 5-6 महीने की, तो अपने अंदर ये भी एक गिल्ट होता था कि भाई मैं इसको सही टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो बहरहाल एक पॉइंट ऐसा आ गया कि मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, मुझे जो भी करना है बेशक मुझे चपड़ासी की नौकरी मिले लेकिन मुझे दिन की नौकरी चाहिए, क्योंकि मेरी रात को नींद भी नहीं पूरी हो रही थी। काफ़ी दफ़ा ऐसे भी होता था कि दो दिन जो है वो दो रातें मैं बगैर सोए हुए जॉब पर चला जाता था। और बहरहाल मैंने एक हैबिट अपनी बनाई हुई थी कि जब मैं रात को सुबह जब मैं वापस आता जॉब करके तो मैं रोज़ ना इंडीड पे जो है वो देखता था कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो मैंने अप्लाई करना छोड़ दिया था लेकिन मैं देख रहा था कि परफेक्ट अपॉर्चुनिटी कोई राइट अपॉर्चुनिटी आए जिस पर मैं अप्लाई करूँ ताकि मैं बस ऐसी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ना वेस्ट करता फिरूँ, एक जगह पर मल्टीपल जगह ना अप्लाई करूँ कि भाई इसने पहले भी इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया था, इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया था, तो आपकी एक रेपुटेशन ना ख़राब हो जाए। तो बहरहाल अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था उसी कंपनी में जो है वो मेंटेनेंस प्लानिंग की पोजीशन निकली, और मैंने जो है वो पोजीशन जब मैं इंडीड पे देख रहा था देखा कि भाई जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ प्रोडक्शन ऑपरेटर की जॉब उसी कंपनी में जो है ये पोजीशन निकली है। तो मैंने कहा अब इंडीड पे तो मैंने अप्लाई नहीं करना, मैंने अपनी रेज्यूमे जो है वो प्रिंट ऑफ करके रख ली और अगली सुबह अपनी जॉब कंप्लीट होने के बाद मैं सीधा सीधा HR मैनेजर के ऑफिस में चला गया। मैंने कहा जी देखें आपने पोस्ट निकाली है, मेरा एग्जैक्टली मेंटेनेंस प्लानिंग की फील्ड में एक्सपीरियंस तो नहीं है लेकिन मेरा रेलेवेंट एक्सपीरियंस है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल एंड आई एम प्रीटी श्योर आई विल बी एबल टू डू दिस जॉब सक्सेसफुली एंड आई कैन रिलेट दिस एक्सपीरियंस, लेकिन मेरे पास 5 साल का नहीं, मेरे पास तकरीबन 1.5 1 साल 11 महीने का एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने कहा ठीक है सही अपनी रेज्यूमे ले आओ, तो मैंने रेज्यूमे प्रिंट की हुई थी, मैंने उनको रेज्यूमे दी, 2 दिन के बाद इंटरव्यू की कॉल आ गई और उसके बाद मेरे मल्टीपल इंटरव्यूज हुए और उसके बाद उन्होंने हायर कर दिया। वो जो 11 महीने के बाद वो वाली हायरिंग मोमेंट थी ना वो मेरे लिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितना बड़ा खुशी का मौका था जब मुझे वो जॉब मिल गई। मैंने ये बात आपके साथ शेयर की, साथ साथ ये बात भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नोट करने वाली है कि अगर यही चीज़ पाकिस्तान में होती ना और कोई लेबर
जॉब से उठ के ये पाकिस्तान में या थोड़ी सी अंडर डेवलप कंट्री में जो लेबर जॉब से उठ के एचआर मैनेजर के ऑफिस में चला गया किसी हायर पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए, तो कहेंगे यार ये कौन है, मतलब इस मजदूर की हिम्मत कैसे हुई कि भाई इस बड़ी पोजीशन में अप्लाई करने की। पहले तो वो आप अगर पहले तो आपकी सीवी ना लेते वो, और अगर सीवी ले लेते तो उसके बाद फिर उसने कहाँ जाना था ये आप सबको पता है। तो बहरहाल यहाँ पे ये चीज़ है कि यहाँ पे इक्वालिटी है, हर एक को इक्वली ट्रीट करते हैं और मौका सबको इक्वली देते हैं। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि भाई वो मैंने जॉब लैंड की और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है उस बात को जो है वो आज से तकरीबन 5 साल हो गए और उसका अल्लाह का शुक्र है कि कॉन्टेंसली जो है वो मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ अपने अम्मा अब्बा की दुआओं से और अल्लाह ताला की रहमतों से। तो मैंने कहा आपके साथ ये स्टोरी शेयर कर दूँ, अब मैं जो है मोबाइल अहमद को पास ऑन करूँगा। अच्छा जी, आई एम बैक। सो भैया फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे एक्सपीरियंस इतने जो है रंगीन नहीं है, बट ये है कि मैं भाई डिस्को में जा गया हमने तो लेकिन ये था कि मैं पाकिस्तान से जब आया था एज ए पी आर आया था और उस टाइम ये था कि अब उस अच्छा तो पहले थोड़ा बैकग्राउंड भी दे रहता हूँ। मैंने पाकिस्तान से इंजीनियरिंग की, उसके बाद मलेशिया चला गया मैं, वहाँ पे मैंने मास्टर्स की, ठीक है, और उस मास्टर्स मेरी जो थी वो बेसिकली रिसर्च बेस्ड थी। तो मेरी जो डोमेन मतलब डिसाइड होगी इस चीज़ में मैंने इंटरेस्ट डेवलप किया वो रिसर्च था। तो मैं कनाडा आने से पहले मैंने बड़ी सारी जगहों पे अपनी पीएचडी के लिए अप्लाई किया, मुझे शौक था, और यूके में एडमिशन हो गया, ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन हो गया, फुली फंडेड सब कुछ। तो मैं अपने वीसा का इंतज़ार कर रहा था, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स जाना था, तो मैं उसका वीसा का इंतज़ार कर रहा था। करते 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 उतनी देर में मुझे कनाडा से इमिग्रेशन का जो था वो मेरा फाइनलाइज हो गया। खैर तो मैंने वो छोड़ी फंडिंग और सारा कुछ, मैंने कहा जी कनाडा चलते हैं। इट वॉज़ अ बिग स्टेप बिकॉज वंस अगेन जब आप ये तो पता था कि पी आर इज़ मच बेटर ऑप्शन, बट ये जो बात थी कि यार मैं वो एक बड़ी फंडिंग छोड़ के मैं यहाँ जा रहा हूँ वो थोड़ा सा मेरे लिए था, क्योंकि वंस अगेन पी आर पे यू डोंट नो वहाँ जाके करना क्या। खैर एनी वे यहाँ आया, सर्दी थी, लोग कह रहे थे भाई सर्दी में ना जाओ अकेले बड़ी मुश्किल होगी सारा कुछ, मैंने कहा नहीं यार कोई बात नहीं। मैं यहाँ आया और यहाँ आते ही जो था वो सबसे पहली दो चीज़ें थी, एक वंस अगेन अपने ट्रैक पे चढ़ना है, मुझे पीएचडी करनी थी तो मुझे पीएचडी ढूंढनी थी वंस अगेन, और दूसरी बात ये थी कि ऑफ कोर्स सर्वाइवल के लिए मुझे जो था वो कुछ जॉब चाहिए थी। अब वंस अगेन मैं ये भी बताता जाऊँ, आई गेस मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं पीक कोविड डेज में आया था, मतलब जो फर्स्ट वेव थी जिसके अंदर बॉर्डर्स बंद हुए थे प्रॉपरली, ये बात है अप्रैल मार्च में आया था, मार्च मिड के अंदर जो था वो 2020 के अंदर बॉर्डर्स वगैरह सब बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया था। तो अल्लाह की करनी ये हुई कि जी मुझे एक महीना फ्री रहने की मजबूरी थी, बट या वो मैंने टाइम जैसे जैसे गुजारा, ठीक है, घर पे फुल ठंड थी, अल्बर्टा में होता था मैं, और अगर आप में से कोई सुन रहा है अल्बर्टा से ही वुड नो कि वहाँ पे इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, मतलब बहुत हार्श कंडीशंस हैं ओंटेरियो की निस्बत फॉर एग्जांपल। सो वो मैंने टाइम थोड़ा जैसे जैसे गुजारा, फिर मेरी जॉब लग गई पार्ट टाइम वॉलमार्ट में, वो मैंने जॉब शुरू कर दी जिससे मेरा बेसिकली डे टू डे जो अर्निंग थी वो होने लग गई और मेरा वो एक एस्पेक्ट कवर हो गया। अब दूसरा एस्पेक्ट ये था कि मुझे पीएचडी के लिए कुछ करना है, तो मैंने किया ये कि मैं मेरे दोस्त थे वो यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में पढ़ते थे, मेरे से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस था, तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा चला गया, मैं वहाँ जाके प्रोफेसर से मिला। बट वंस अगेन ये बिल्कुल उस टाइम से पहले था जब बॉर्डर्स बंद हो रहे थे, तो मुझे एक दो प्रोफेसर मिले बट फंडिंग्स इतनी थी नहीं। खैर एक मेरी अपॉर्चुनिटी लैंड हो गई यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा से, सारा कुछ चलने लग गया, मतलब इंटरव्यूज़ हो गए, मेरा एक तरह से असेसमेंट हो गई। तो मुझे आज भी याद है कि मैं काम कर रहा था, जॉब पे था, और वहाँ पे मुझे मैसेज आता है कि जी, ईमेल आती है कि जी आप अनफॉर्चुनेटली हम नहीं रख सके इतने सब कुछ के बाद, मतलब आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द फंड्स टू कम ताकि मेरी पीएचडी स्टार्ट हो जाए, इट वॉज ऑलमोस्ट ग्रीन सिग्नल, बट पता लगा कि जी नहीं हो सकती और अब जो है वो आपको मतलब यू हैव टू लुक समवेयर एल्स। वो लंबी कहानी है, उसमें हम नहीं जाते कि क्या हुआ बैक एंड पे, बट एनीवे आई रिमेंबर कि वो मुझे आज भी याद है जगह मैं कहाँ खड़ा था, क्योंकि मेरे एक तरह से पाँव के नीचे ज़मीन निकली, क्योंकि अब मुझे था कि यार आई विल हैव टू वेट अनदर ईयर टू यू नो फाइंड अपॉर्चुनिटी लाइक दिस। इसी दौरान एक और जो डिसीजन मेकिंग हुई वो शायद मैं भूल गया, मेरे आने के 5 दिन बाद ही मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आ गया, ठीक है। तो अब वो एक बड़ा क्रूशल मोमेंट आ गया कि यार मैं छोड़ के जाऊँ या मैं इसी को कंटिन्यू करूँ, तो डिसीजन लिया कि चलो यार जैसे भी है अभी कोविड है जो भी है मतलब अब यहीं रहना है, बिकॉज आई कांट रियली गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ पीआर अगेन, इट्स हार्ड, ठीक है, आपको अपनी ज़िंदगी के सारे प्रूफ्स निकालने पड़ते हैं। तो फिर मैंने किया ये कि मेरी अल्लाह की करनी हुई कि उसी दिन जो था वो मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से जो था वो एक इंटरव्यू की कॉल आ गई,
और इंटरव्यू से पास थ्रू किया. फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आप ऐसा करें कि वोटर रूल इज़ रियली स्ट्रिक्ट. सो ऑल दो मैं पीआर पे आया था, मेरी आइट्स वगैरह सब क्लियर था, वोटर रूल का नहीं जी आप दोबारा आइट्स लेंगे. अपनी आइट्स दी अभी कोविड के अंदर और जो था करते 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 मेरी एक इंटेक इसी चक्रों में मिस हो गई. तो माई सुपरवाइजर वॉज रियली नाइस, उसने कहा कि ऐसे है कि आप एज अ रिसर्च असिस्टेंट मेरे साथ काम शुरू कर दें जब तक आपका पीएचडी स्टार्ट नहीं होती. तो मैंने रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे काम किया. नेक्स्ट चैलेंज ये था कि मैं जिस फील्ड से था मैं ऑयल एंड गैस से था, तो पेट्रोलियम में मेरी रिसर्च थी और सारा कुछ. मैं पेट्रोनास के लिए काम करता था मलेशिया में, मतलब रिसर्च में. तो अब जो मेरी फील्ड थी वो रियली डिफरेंट, ठीक है, वो बिल्कुल कोडिंग बेस्ड थी, कोडिंग मुझे ज़्यादा आती नहीं थी. तो नेक्स्ट चैलेंज ये था कि अपने आप को वो स्किल्स डेवलप करना. तो मैंने क्या किया कि शुरू में बहुत तकलीफ हुई अल्बर्टा के, जो फुली डार्क विंटर हमने गुजारे और टेंशन बहुत ज़्यादा होती थी. पहले लगता था कि शुरू में ही फेल हो जाना हमने, बट ये था कि आई स्टक टू इट एंड कोडिंग सीखी, फिर उसमें एक्सेल किया. और मतलब अब मैं तीसरे साल में हूँ, तीसरा साल मेरा कंप्लीट हो रहा है ऑलमोस्ट एक टर्म बाद, और इंशाल्लाह होपफुली विद इन वन ईयर मेरी पीएचडी ख़त्म हो जाएगी. तो सारी बात का क्रक्स ये, और दिस इज़ व्हाट आई ट्राई टू लिंक आवर वीडियोज़ टू, कि यार कुछ का कोई मॉरल एक वो होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए. तो मॉरल मैसेज इसमें यही था कि सबसे पहले आप वो काम करें जिसका आपको शौक है, ठीक है. जिस तरह मुझे पीएचडी का शौक था और मुझे रिसर्च का शौक था, आई स्टक टू इट, ठीक है. अच्छे दिन आए, बुरे दिन आए, जो भी आया, आई स्टक टू इट. दूसरी बात ये कि यार देखिए ज़िंदगी में ना हर काम आप कर सकते हैं. आपको नई नया स्किल लेना है, आप नया स्किल ले सकते हैं, बस आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए वो लेने की. अगर आपके अंदर विल ही नहीं है कि यार मैं तो ये को ये तो नया काम आ गया तो मैं कर ही नहीं सकता, तो आप वो काम वाकई नहीं कर सकते. तो सबसे पहले आप में विल पावर होनी चाहिए और जस्ट स्टिक टू इट, ठीक है. आई डोंट नो ये कोट सही है या गलत है, बट आई रिमेंबर आइंस्टाइन ने कहा था कि मैं कोई इतना चलाक शलाक नहीं हूँ, द ओनली थिंग व्हिच आई हैव इज़ कि मैं आई स्टिक विद द प्रॉब्लम द लॉन्गेस्ट. सो जस्ट स्टिक विद द प्रॉब्लम और इंशाल्लाह जो है वो आप भी जो है वो जिस भी काम में पड़े हुए हैं वो अच्छा होगा. सो या मेरा ये जर्नी था. अब जो है वो मैं अभी अपनी वंस अगेन पीएचडी के ऑलमोस्ट एंड पे हूँ. सो इट हैज़ बीन लाइक टफ बट इट हैज़ बीन अमेजिंग, आई वुडंट रिप्लेस विद एनीथिंग एल्स. तो या ऑन दैट नोट आई गेस हम दोनों की स्टार्टिंग स्ट्रगल्स जो हैं वो आपने और स्टार्टिंग लाइफ कैनेडा में जो है वो आपने सुनी. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की जो जो स्टार्ट है कनाडा में वो थोड़ा सा, या किसी भी कंट्री में आप जा रहे हैं, डजंट रियली हैव टू अप्लाई टू कनाडा, बट अगर आप ऑस्ट्रेलिया फॉर एग्जांपल पीआर पे जा रहे हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी और बहुत अच्छी होगी. बिकॉज मेरे केस में मैं वन सेकेंड बिल्कुल पीक कोविड के डेज सब बंद हो रहा था, कुछ भी नहीं खुला था, मॉल शॉल सब कुछ, इवन ऑनटेरियो वगैरह में तो कर्फ्यू भी आएगा लग गया था. तो ऑफकोर्स आप लोगों के केस में ऐसा नहीं होगा, होपफुली इंशाल्लाह. और एहसान के केस में जो था ही हैड हिज ओन स्ट्रगल्स. तो आपका सफ़र अच्छा रहेगा. आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको और किस चीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए. वी विल डेफिनेटली पिक दैट टॉपिक अप एंड डिस्कस इट मोर. सो तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में मैं याद रखिएगा. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.